देख के आया हूँ, पहन के दिखाता हूँ आपको। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। वहाँ पर मेरा कोई ऑफिशियल काम है, उसी के लिए जा रहा हूँ। और जो मेरे खास दोस्त है वो वहीं पे रहता है, तो उनको एक सरप्राइज़ मिल जाएगा कि मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा, क्योंकि वहाँ पे बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं है। और मैं वहाँ पे ऑफिशियल एंट्री लेने वाला हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनको सरप्राइज़ करते हैं और वहाँ पर चलते हैं। अभी चल पड़े हैं कॉलोनी से और हाईवे पे निकलते हैं, वहाँ पे ऑटो लेते हैं और वहाँ से चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। पहुँचने वाले हैं हाईवे पे और हाईवे क्रॉस करके हमें दूसरी साइड जाना पड़ेगा, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी साइड है, और वहाँ पे जाके ऑटो लेते हैं और फिर निकलते हैं वहाँ से। अभी आ चुका हूँ मैं गेट नंबर 3 पर और अभी निकलते हैं अंदर की तरफ, और उनको सरप्राइज़ देना ज़रूरी है ना, बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं, नर्वस हो रहा हूँ मैं तो यहाँ पर। अरे मिल चुके हैं अब और सरप्राइज़ मिल चुका है, सरप्राइज़ पूरा स्पॉइल ही हो चुका था, बट क्या ही कर सकता। ये है व्यू अंदर से, मतलब सारे बच्चों ने देखी है वैसे, उसको जो मेरे जैसे जो नहीं देख पाते हैं वो दिखा, उनको दिखा रहा हूँ मैं, देख लो। और कितना अच्छे से गार्डन बना हुआ है, ज़्यादा अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ, कोई बात नहीं। और ये एकेडमिक ब्लॉक्स 07 D7 इसमें चलना है अभी, और यहाँ पर किसी चीज़ की भी शूटिंग हो रही है, पता नहीं किस चीज़ की हो रही है, बस हो रही है। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं और सेटअप वहाँ लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। ऑडिशन दे दूँगी मैं यहाँ पे मॉडल का। ये देखो गाइस, इतने बड़े बड़े कैमरास, शूटिंग का प्रॉपर सेट लगने वाला है यहाँ पर। बिन नाश्ता किए हुए आए हैं तो पहले चलते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए डीजे। और हमने ऑर्डर प्लेस किया एक स्प्रिंग रोल, एक कॉफ़ी और एक दूसरी कॉफ़ी, अब इसको खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे। और अभी टाइम हुआ है 10:23 और उसके बाद में ऑफिस में काम है, तो ऑफिस में काम वाला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। नाश्ता वास्ता करके आ चुके हैं और यहाँ पे ये बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं शूटिंग के, इस एरिया में आए हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो शूटिंग हो रही है उन लोगों के लिए यहाँ पे खाना बन रहा है, वहाँ पर हो रही है जुनूनीत की शूटिंग और वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मना किया है, तो मैं इधर आके थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देख सकते हो वो कैमरा वैमरा लगे हुए वहाँ पर। अपना हो चुका काम कंप्लीट, अभी निकलते हैं सीयू से बाहर। सब कितना प्यारा प्यारा रास्ता है, इस साइड से, ये इस साइड से और ये इस साइड से, अभी निकलते हैं अपन गेट की तरफ। अभी निकलते हैं अपन गेट नंबर 3 से, और इसमें गेट नंबर काफ़ी सारे हैं, 1, 2, 3 शायद 4th भी होगा, और ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले से निकलते हैं। ये रहा पूरा सीयू जहाँ पर इतनी जगह पर कंस्ट्रक्शन काम ही चला हुआ है। अभी रहते हैं ऑटो यहाँ से फिर निकलते हैं। अभी आ चुके हैं अपनी सोसाइटी और धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो प्लान रहा है कि थोड़ा सा नए पानी पी लेता, ताकि हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है ना गर्मी के मौसम के अंदर। ये रहा अपना घर वाइट वाइट वाला, और ये रहा नारियल पानी वाला, तो यहाँ पानी पीते हैं और अपनी धूप दिखाऊँ कितनी तेज़ है। ये देखो सीधा सिर के ऊपर आ रही है, चलते नारे पानी पीने के लिए। ये अपने नारे पानी पीते पीते हुए चल रहे हैं सोसाइटी की तरफ। अभी आ गए घर से बाहर और इन ड्राइवर से पहली बार मैंने कैब बुक की है, तो वो आने वाली है, तो यहाँ से निकलते हैं सेक्टर 15। इस कैब से आए थे अभी और पहुँच गए हैं सेक्टर 15, तो यहाँ पे चलते हैं, कुछ कुछ ड्रेसेस वगैरह लेनी है वहाँ से, वो परचेज करते हैं। बनवाया है मौसमी का जूस, थोड़े थक गए थे इसलिए पहले ये पीते हैं, फिर मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट से कर लिया शॉपिंग बहुत सारी, और शॉपिंग करते करते हो गया अंधेरा, अभी यहाँ पे बुलाते हैं कैब और फिर निकलते हैं घर की तरफ। ये देखो शाम का मार्केट कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर, हद से ज़्यादा, और इतना सारा ये पार्किंग की जगह है जहाँ पर सब बाइकें खड़ी। अभी आ चुके हैं फूड मार्केट के अंदर और भूख लगी थी, खा पी लेते हैं, और इसको चाइनीज़ मार्केट बोला जाता है, सेक्टर 15 की सबसे फेमस मार्केट है। हमने मंगवाया है रेड सॉस पास्ता और साथ में कॉक, और ये है बाबू राव, नहीं राम का, बाबू राम का फास्ट फूड कॉर्नर, अच्छा है, थोड़ा अजीब सा लगा बट ठीक है, ट्राई कर सकते हो आप लोग। अभी टाइम हो गया 8:47 और अभी तक अपन यहीं पे है उसी मार्केट के अंदर, नाश्ता वास्ता कर लिया था, फिर छोटा मोटा सामान और लेने चले गए थे गिफ्ट विफ्ट की शॉप के अंदर, और अभी बैठा हूँ मैं यहाँ पे, सर नहीं दिख रहा हूँ अच्छे से, अभी कैब बुलाई है, कैब बुलाने के बाद में चलते हैं घर की तरफ, और बहुत सारा सामान परचेज कर लिया तो ट्राई करके देखेंगे पहले। जा रहे हैं घर की तरफ, इसे कहते हैं शॉपिंग लॉग CHK 243, गाड़ी का नंबर है।
अभी आ चुके हैं अपनी कॉलोनी के अंदर, और ये देखो प्यारा सा चांद, और ये अपने पास में बैग्स, ये और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, बैग के अंदर बैग भी डले हुए हैं काफ़ी सारे। ये चलते हैं, कुछ कुछ ड्रेस लेके आया हूँ मैं अपने लिए, तो ट्राई करता हूँ आपको पहन के दिखाता हूँ कैसी लगनी है। आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हो कैसी लग रही है मेरे पर ड्रेस, और कैमरा थोड़ा साफ़ नहीं है सर मेरे हिसाब से। अभी चलते हैं घर की तरफ। लेके आए हैं लाफिंग बुद्धा, पहले हमारे पास में सिर्फ ये चार बुद्ध थे, जो एक देखता नहीं है गंदी चीज़ें, एक अच्छे से सुनता है, एक गंदी बातें बोलता नहीं है, एक गंदी बातें सुनता नहीं है। तो हम एक लेके आए हैं हंसने वाला बुद्धा, जो कि घर में अच्छी हंसी खुशी बना के रखेगा। बाकी सामान निकालते हैं, वो चेक करता हूँ। ये और लेके आए, एक ही कीचेन है, काफ़ी प्यारी है ये, और इसमें कुछ घर का सामान है, और जो मेरा सामान है वो ये वाला है, मेरे सारी टी शर्ट्स वगैरह कुछ हैं इसमें चीज़ें। लेके आया हूँ, पहन के दिखाता हूँ आपको, और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है मेरे पे। ये है वो 50 सेक्टर वाली टी शर्ट, और इसके पीछे भी प्रिंट है, आप देख सकते हो इस टाइप का। और मैंने लिया है एक ये निकर जो है पुमा का, मतलब ये ओरिजिनल पुमा नहीं है, डुप्लीकेट है, फर्स्ट कॉपी, बट काफ़ी अच्छा है। इसमें यहाँ पे चैन वैन भी है और अच्छा है, ये काफ़ी बजट में मिल जाता है इजीली। और ये मिलेगा आपको शॉप नंबर मैं दिखा देता हूँ, 158 है ये शॉप का एड्रेस है, बूथ नंबर 158 पटेल मार्केट वाला, सेक्टर 15 चंडीगढ़ के अंदर। और आपको ये जो मैंने ड्रेस पहनी है आपको यहाँ मिल जाएगी, और आप वहाँ पे अगर मैंने जब से हमेशा बताता हूँ मैं आपको मोल भाव करोगे थोड़ा सस्ता ही मिल जाएगा। और एक ये लिए मैंने वाइट टी शर्ट, इस पर लिखा हुआ है मॉन्सलर, और पीछे कुछ इसका इस टाइप से इसका प्रिंट है। और ये मैंने दूसरी शॉप से ली है बेसिकली, उस शॉप का मेरे पास विजिटिंग कार्ड तो नहीं है, आई थिंक 134 नाम से उसकी शॉप नंबर था 134, और शॉप का नाम था पॉपली फैशन कुछ इस टाइप से था, तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। और भी मतलब 15 सेक्टर पूरा भरा पड़ा है, पूरा बाजार कपड़ों के अंदर, और गर्ल्स एक्सेसरीज और गर्ल्स का वियर सब में। और मेरे पास मेको टी शर्ट है, वो भी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। ये टी शर्ट भी मैंने उसी शॉप से ली है, और ये सेम प्रिंट जारा में और H&M में था, और वहाँ पे मुझे ये मिल चुकी है, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है पीछे भी से, आप देख सकते हो ये सामने जैसा लुक है। और आप भी बताना कि कौन सी तीनों टी शर्ट में से कौन सी ज़्यादा मुझे पे अच्छी लग रही थी, और निकल सब में सेम है बट टी शर्ट सब अलग अलग है, तो आप मुझे बताना चाहिए। ये है सारी आउटफिट्स मेरी, और आपको जैसे भी कोई पसंद आती है तो ज़रूर बताना, रेटिंग करना यार ड्रेस के ऊपर, कमेंट वमेंट करते नहीं हो आप लोग। और अभी कुछ टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, और नई नई ड्रेस ली है, थोड़ा सा घूमना भी ज़रूरी होता है, इसमें अच्छी अच्छी वाइब्स घुसानी है ना, इसलिए अभी आ चुके हैं रोज़ कैफ़े, और उस कैफ़े के अंदर आए हैं जिसका मैंने नाम लिया था पहले, यहाँ पे चल के आएंगे, अभी चलते हैं इसके नीचे। ये है रोज़ कैफ़े का इंटीरियर, एक आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उल्लू लटके हैं, इंटीरियर काफ़ी प्यारा है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है, वहाँ पे एक टीवी भी लगा है, और ये कुछ इस टाइप से इनका मेन्यू है रोज कैफे का। और एक अच्छी बात दिखाऊंगा आपको इन पे, हैशटैग बर्गर, मतलब मेरी शॉप का नाम, बट बर्गर नहीं है मेरी शॉप, कपड़ों की है। ये इनका मेन्यू है, और सोफे काफ़ी प्यारे हैं, अच्छे हैं, स्पंजी हैं, चेयर भी काफ़ी प्यारी है, प्यारा इंटीरियर करके रखा है। सोफे का कलर देखो, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, पिंक और ग्रीन, ये प्यारी सी गाड़ी है, इश्यू यूज्ड इश्यू, ये चलती है। मैं इधर बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है ना, रिप्लेस किया है रैप का और कप का जो कि आ चुका है, अभी इसको खाते हैं, भूख लगी है, रात की खा रहे हैं हम 10 से ऊपर, मतलब 11 बजे ऑलमोस्ट। अभी आ चुके हैं कैफ़े के बाहर, यहाँ पे रोज़ कैफ़े, और यहाँ पे एजुकेशन चाय वाला, और एक ये जो सुपर स्टोर जो बना है नया वो, और एक और है ऊपर किचन, कुछ मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, जाके ट्राई करेंगे। खाना बहुत बेस्ट था, मतलब अच्छा लगा टेस्ट उसमें, और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा था, और खाली खाली रहते तो जाए, नया ओपन हुआ है। अभी आ चुके हैं अपने घर पे, और रात के 12 बज चुके हैं, व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और कुछ अगर मेरे में कुछ बुराइयाँ या फिर व्लॉग में अगर आप कुछ कमी लगती है तो आप मेरे साथ में वो भी डिस्कस कर सकते हो कमेंट में लिख के। और सेक्टर 15 के अंदर जो शॉपिंग की मैंने आपको बता दी है, आप भी जाके वहाँ पे, ट्रेंडिंग चीज़ें रहती है और सस्ती मिल जाती हैं, सबसे अच्छी बात यह है। सेक्टर 22 भी है चंडीगढ़ के अंदर, वो भी फेमस है, बट उससे ज़्यादा अच्छा है सेक्टर 15, और वहाँ पे फूड भी मिल जाएगा आपको, और कपड़े भी मिल जाएंगे, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाती है, और एक अच्छी जगह पे है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई भी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को, और आप वहाँ पे ज़रूर जाना अगर कभी आपका टाइम मिले तो।
शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, और ब्लॉग को ये करते हैं यहीं पे एंड। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सब लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।